अगली खबर आ रही गया से, जहां हिंदुओं के महत्व को देखते हुए इस घाट पर हजारों की संख्या में छठ व्रत महिलाएं अर्घ देने आती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा श्रमदान से ही इस घाट पर व्रतियों की सेवा प्रदान किया जाता है। इस घाट पर दो नदियों का संगम भी होता है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं रहता है। पिछले वर्ष गया सांसद विजय मांझी ने मीडिया के कैमरे पर इस घाट का सौंदर्यीकरण कार्य करने के लिए लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी यह घाट विकास कार्य से वंचित है। जैसे जितना भारी संख्या में लोग आते हैं ना, तो व्यवस्था करने में हम लोग के दिक्कत आती है। भारी संख्या में कितना, लगभग लगभग यहाँ 25,000 लोग आते हैं। व्रतियों का संख्या बहुत रहता है, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं रहता है। क्या क्या दिक्कत है इस घाट पे? सबसे बड़ा दिक्कत जो घाट है, जो बनना चाहिए, पक्का घाट निर्माण होना चाहिए, पक्का घाट का निर्माण हो, यहाँ पे चापाकल का व्यवस्था हो, शेड वे का भी व्यवस्था हो। अच्छा, अभी जो व्यवस्था आप लोग किए हैं व्रतियों के लिए, ये कहाँ कहाँ से करवाएं आप? ये सब हम लोग अपना स्वयं दान से सब हो रहा है, सब गांव के जितने लोग हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। खास करके किशोर नवया क्लब के जो सदस्य लोग हैं उनके द्वारा ये 4-5 बोरिंग से पानी का व्यवस्था झरने के द्वारा करवाया जा रहा है, कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, पानी का समस्या नहीं हो। तो सरकार के द्वारा तो घाट के लिए सौंदर्यीकरण के लिए पैसा फंड आता है? तो अभी तक तो यहाँ पे 2 घाट बनाए हैं हमारे पूर्व सांसद हरि मांझी जी, एक घाट हमारे पूर्व मुखिया अजय कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया है, और बाकी तो अभी तक बना नहीं है। वर्तमान सांसद जी कुछ नहीं किए अभी? उनके द्वारा अगले वर्ष निरीक्षण किया गया था, और वो आए थे तो वो आश्वासन दिए थे अगले वर्ष की पिछले वर्ष और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम यहाँ पे घाट देंगे, लेकिन हम गए थे स्वयं वहाँ पे उनके पास गए थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि मेरे पास अभी फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो हम आपको देंगे। कब आप लोग गए थे? गए थे हम करीब करीब 1-2 महीने पहले गए। आश्वासन वो कब दिए? आश्वासन तो अगले वर्ष दिए थे, इसी समय छठ के समय। 1 साल हो गया। हाँ, बोले थे मार्च के बाद काम लग जाएगा, लेकिन मार्च के बाद क्या, अभी तो अक्टूबर नवंबर ही बीत गया, अभी तक तो काम लगा नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुगंज। देखिए, इनका नाम हिरुमान जी है, ग्राम विष्णुगंज के हैं। ये राज मजदूर में काम करते हैं 300 रुपये प्रतिदिन पर, लेकिन जब भी छठ पर्व आता है तो मैंने छठ पर्व से 15 दिन पहले से ही अपना चपड़ा गैता लेके और घाट बनाने के लिए लग जाते हैं बिना परिश्रम के। मैंने कोई इसमें पारिश्रमिक नहीं चाहिए। अकेले नहीं, मैंने और आते हैं, लेकिन एकदम परमानेंट आदमी है। अकेले परमानेंट आदमी है। हाँ, कोई काम कुछ हो जाए, लेकिन इसको आना बहुत जरूरी है। घाट बनाने में सबसे ज्यादा योगदान प्रत्येक साल। हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है खीरुमान जी, विष्णुगंज के रहने वाले हैं। दिक्कत का हम लोग सोल्व करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें प्रशासनिक और शासनिक सहयोग हो, कि ताकि हम लोग के जितना परिश्रम करने पड़ता है, जितना गाइड करना पड़ता है, उसके में कुछ सहूलियत मिले। विधायक सांसद से कुछ? विधायक भी आए यहाँ, आपको विजय मान जी सांसद भी आए, तो सिर्फ कोरा आश्वासन छोड़ के अभी तक 1 रुपये के लिए वो काम नहीं किए, लेकिन वो कहे थे कि हम घाट बना देंगे, चापाकल लगा देंगे। हमारे जो विधायक हैं वो भी मतलब सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन काम 1 पैसा का आज तक। मैंने आश्वासन कौन दिया था? सांसद की विधायक? विजय मान जी सांसद महोदय। अच्छा, अब विधायक जी से बात किए थे? विधायक जी से तो ऐसे नहीं करते हैं, जाते हैं लेकिन मिले तो कुछ चंदा वगैरह दे देते हैं, अपना 1,500 बजना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ घाट पर वो नहीं आया। परिचय दीजिए। अजय कुमार गुप्ता, ग्राम विष्णुगंज। प्रशासनिक सहयोग किसी तरह का कोई आज तक हम लोग मिला नहीं। कभी नहीं मिला? नहीं, हम लोग प्रशासन से, BDO साहब से, SDO साहब से, यहाँ तक DM साहब से भी हम लोग मांग किए थे, फोन पर बातचीत हुआ था, लेकिन कुछ समय बात किए और जैसे ही आर्थिक सहयोग की बात किए उन्होंने फोन काट दिया। कितना दिन से मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग तो हम लोग इस घाट को, लगता है कि जब हम 10 बरस के थे उस समय से हम इसको घाट को आज तक बनाते आ रहे हैं, सजाते आ रहे हैं, व्रतधारियों की सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन लोग से? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घाट का जो मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसका कम से कम समुचित व्यवस्था कर दिए, कटाव नहीं हो। हम लोग को जो बार 1 महीना जो परिश्रम करना पड़ता है
उसमें हम लोग को कम करना पड़े। तो छठ पूजा में व्रतियों लोग भी आती है? नहीं, व्रत लोग तो नहीं आती टोटल, हम लोग छठ पूजा में। हाँ, छठ पूजा में तो आती है। हाँ। काम करने के लिए उन लोग नहीं आती है। छठ व्रत में कम से कम 20 गांव के यहाँ कम से कम 25,000 आदमी से कम लगभग यहाँ नहीं होता। हम लोग के यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। 25,000 लोग आते हैं। एकदम संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहता है? सुरक्षा की व्यवस्था केवल खाना पूर्ति यहाँ का आकर के दो चार को चार लोग रहते हैं। हाँ, बस भेज देते हैं और बस। क्या नाम आपका? हमारा नाम छोटे लाल पंडित। कहाँ रहते हैं? विशुनगंज।